इसी वजह से अब तो बिजली बिजली नहीं होती थी, शमा चला होता था, किसी वजह से चला बुझा दिया। हाँ वो ही गिर गया किया तो कसदम का, अच्छा अच्छा है शमा तो है नहीं, आप खाना तनावुल फरमाइए। अब कुछ देर के बाद फिर जब शमा जलाई, सारा खाना वहीं मौजूद था, किसी ने नहीं खाया। और क्या हो गया, एक ने दिल में कहा खाना कम है, मैं नहीं खाऊंगा, पनीर को खाने में। दूसरे ने कहा खाना तो कम है, मैं फाका करूंगा, मेरे साथ ही खाएं। तीसरे ने, हर एक ने ये कहा, किसी ने नहीं खाया। इसको इशारा है, ये इस्लाम की तालीम। क्या मदरसे में जा रही है, क्या मदरसों में जा रही है? हाँ? अगर बहुत ही कम हो तो क्या हो जाएगा? अशरफा बेचारे की शाम होता है, अशरफा बेचारे की शाम होता जाए। बड़ों का ये मामला है, छोटों की तो बात ही नहीं, बड़ों का ये मामला मजाक नहीं है। ये दीन है, अल्लाह सब देखते हैं, अल्लाह ऊपर सब देखते हैं। ये दीन है, अल्लाह का दीन है, हर चीज लिखी जाती है, हर चीज अल्लाह जानता है। किसके अंदर ईसार है, किसके अंदर खुदगर्जी है, किसके अंदर अमानत है, किसके अंदर खयानत है, अमानत किसके अंदर है, खयानत किसके अंदर है, एक एक पाई का, एक एक चीज का हिसाब हर एक को देना है, जो जिस अहदे पर जिस चीज में है। अल्लाह को मजाक नहीं हम समझ सकते, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हर चीज देख रहा है अल्लाह ताला, और हर चीज लिख रहा है, लिख रहे हैं उसके किरामन कातिबीन, और हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई देखता हो दुनियावी तौर से या ना देखता हो, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। वहां कोई यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व साहिबतिही व बनी, ना भाई काम आएगा, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। किस चीज को दीन समझा है, किस चीज को दीन समझा है? ईमान की, ईमान की अव्वल और अव्वल और अव्वल सिफत अमानत है। ईमान की सिफत अमानत है, अमानत, और ये अमानत हर चीज पर क्या है, हावी है। अमानत हर चीज पर हावी है, हर चीज यानी इसमें शामिल है, छोटी चीज से ऊपर की चीज तक। अमानत की सिफत पैदा नहीं होगी, खयानत अंदर है तो फिर क्या हासिल है? पढ़ो कितना पढ़ो, पढ़ाओ कितना पढ़ाओ, हासिल क्या है? यानी खयानत से बचना है। मोमिन खाई नहीं हो सकता, खाई नहीं हो सकता, उसके अंदर ईसार होता है। वो अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी मर्जी को कुर्बान कर देता है, अपने आराम को कुर्बान कर देता है, अपनी तरजीहात को कुर्बान कर देता है। हमने दीन को महज चंद चीजों में क्या किया, महदूद कर दिया। जो अपनी जिंदगी में जिन चीजों को लाना है वो अभी नहीं ला पा रहे, अभी नहीं ला पा रहे, कुछ काम नहीं देगा। हर एक को जवाब देना है, हर एक को जवाब देना है। अपने अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सिफत, जिस जो काफिरों ने भी बयान की, अल्लाह की सिफत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो सिफतें हैं जो काफिरों ने पहले बयान की, यानी कबूल कर ली और दुनिया जानती है, वो उनका सिद्दीक होना, उनका अमीन होना, उनकी सच्चाई और उनकी अमानदारी। आज उम्मत इन दो चीजों से खाली है, न सच्चाई है न अमानदारी। सादिकुल अमीन, आप अमीन है, आप सादिक हैं, ये तो काफिर भी कहते हैं। ये अज़हर बिन शम्स जो उनकी सिफात में से दूसरे लोग भी जो जिसके कायम थे, और ये हक है। लगत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, खूब हम बोलते हैं, दावा करते हैं,
तो अपने अंदर अमानत की सिफत नहीं पा पा रहे, अपने अंदर सदाकत की सिफत नहीं पा रहे, ला नहीं पा रहे। क्या हासिल किया, क्या हासिल किया? कुछ हासिल नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। अगर अमीन नहीं बना कुछ हासिल नहीं है, अमानतदारी नहीं है कुछ भी नहीं है। अल्लाह हर चीज देख रहा है, हर चीज अल्लाह जल्ला शानो देख रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज का जवाब देना है। और ये सिफत मोमिनीन की एक ऐसी सिफत है जिसकी वजह से सहाबा जो है दुनिया में मशहूर, दुनिया को उन्होंने जो है कांकर कर दिया, यानी फतह कर लिया। सिफत अमानत से, सिफत सदाकत से, सिफत शुजायत से, सिफत कनात से, ये सिफतें अपने अंदर पैदा करो। अगर है कोई चीज का हासिल करने की, ये दुनिया की चीजें सारी, डॉक्टरी हो, जज हो, कोई भी बला हो, ये सारे फना होने वाली चीजें हैं। हाँ अमीन है तो अमीन है, वहां मिलेगा अमानत का सिल्ला। सदूक है, सादिक है, सच्चा है, तो वहां मिलेगा, पता चलेगा क्या दर्जा मिलेगा। बाकी चीजें जो है ये आरजी है, दौलत भी आरजी है, इसका हिसाब देना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हराम में अज़ाब है, हलाल में हिसाब है, हिसाब बजाए खुद अज़ाब। हराम में तो अज़ाब है मालूम है, हाँ हलाल है उसमें भी हिसाब है। ऐसा नहीं हलाल है जो तुम मर्जी करो करो, नहीं, उसमें हिसाब है, और हिसाब देना बजाय खुद अज़ाब। मन्नू की शहल का अनाइशत रजी अल्लाह ताला अन्हा, मन्नू की शहलक, जिसको हिसाब में नोक जोंक हो गई समझो वो हलाक हो गया। कयामत में अगर किसी को हिसाब में नोक जोंक लग गई, अल्लाह ने ये क्यों किया, ये कैसे किया, हलक, मन्नू की शहलक, तो कम कहा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने अंदर अमानत की सिफत पैदा करो, अपने अंदर सदाकत की सिफत पैदा करो, अपने अंदर ईसार पैदा करो, ये सिफतें हैं मोमिन की। ऐसा बनो, ये तालीम है इस्लाम की, ये सीखो मदरसे से। हाँ तब जाके कहा जाएगा वाकई मदरसे ने आप लोगों को कुछ दिया है और आप लोग अल्लाह के यहां मकबूल हो गए। अल्लाह सबको कबूल करे। खेल मजाक मत ले लो इस दीन को, ये जिंदगी खेल मजाक की नहीं है, लहव लहीब नहीं है, ये वक्त गुजारी नहीं है, ऐसी नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, अल्लाह का खौफ ही नहीं है। अल्लाह का खौफ जिसमें होगा वो ख्यालत कैसे करेगा, जरा बताओ कैसे ख्यालत करेगा, उसमें कैसे नहीं अमानतदारी होगी, वो कैसे झूठ बोलेगा, वो कैसे चोरी करेगा, वो कैसे और चीजें करेगा। गोया ईमान इतना मुस्वाहिल है, कमजोर है, इसमें इतना इज्मिहलाल इन्हिताद आया है। दरवेश बनने निकले, कहा दरवेश बनेंगे, वजीफों से कोई दरवेश बनता है? इन चीजों से खाली कुछ नहीं बनता जब तक ये अंदर ये सिफत ईमान की सिफत है, ईमान के लाजमी सिफत है जाहिर नहीं होंगी, ये सारी ईमान की लाए जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। और ये अमानत का लफ्ज जो है ये बहुत जामिया लफ्ज है। इस पर माने मैंने आपको ये दिया, आपने मुझे वापस कर दिया, बस इसी को एक अमानत रखते होंगे। ये अमानत बहुत जामिया, जिंदगी का कोई गोशा नहीं होगा जिस पर यह हावी नहीं है, यह अमानत का लफ्ज। और फरमाया जिसमें अमानत नहीं उसमें, जो मशहूर है जिसे, तो ये सिफतें, इसीलिए तकवा का जिक्र पहले याद रखो, इसलिए तकवा का जिक्र, ये ईमान हमारे अंदर ये बीज क्यों नहीं फल देता, ये हम बंजर जमीन में रखते, रेतली जमीन में रखते, हमने कंकर नहीं निकाले अंदर से, हमने ये रेतली बंजर जमीन को जरखेज नहीं किया।
इसलिए हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता करे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।